अभिव्यक्ति आकाशवाणी के विविध भारती केंद्र 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी पर विशेष कार्यक्रम श्रृंखला अभिव्यक्ति रेडियो पिंक सिटी 100.3 और IES एसोसिएशन राजस्थान की प्रस्तुति देश की सर्वोच्च सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की प्रशासनिक क्षमता और कार्य कुशलता से हम सभी परिचित हैं। इन अधिकारियों की योग्यताओं का एक अन्य पक्ष भी है, तस्वीर का दूसरा पहलू, क्रिएटिव पक्ष, इनकी रचनात्मकता। सोचिए, यदि ये IES ना होते तो और क्या क्या हो सकते थे। व्यक्तित्व और कृतित्व के इसी पक्ष को जानेंगे हम अभिव्यक्ति के इस एपिसोड में। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्रीमती मुग्धा सिन्हा, जो IES एसोसिएशन राजस्थान की लिटरेरी सेक्रेटरी हैं, अभिव्यक्ति के प्रत्येक एपिसोड में इन प्रतिभाशाली शख्सियतों से जीवंत संवाद करेंगी। प्रस्तुत है कार्यक्रम अभिव्यक्ति। नमस्कार जयपुर, आज हम वापस आए हैं अपने नए कार्यक्रम के साथ अभिव्यक्ति, जिसका दूसरा एपिसोड जो है उसमें हम अपने साथ लेके आए हैं एक और बहुत ही मल्टीफेसेटेड हमारे जो IAS ऑफिसर हैं 2015 बैच के राजस्थान काडर के। आपका नाम है निशांत जैन और मैं निशांत जी आपका आज स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। निशांत का मैं आपसे थोड़ा परिचय करा दूं, उससे पहले मैं आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूंगी। जैसा कि आप जानते हैं, ये IAS एसोसिएशन राजस्थान और AIR FM 100.3 रेडियो पिंक सिटी के तत्वाधान में ये संयुक्त रूप से ये कार्यक्रम आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। और निशांत जी से मेरी मुलाकात जो है कुछ साल भर पहले अजमेर में हुई थी, जहाँ पर इन्होंने एक बुक प्रदर्शनी जो है वो आयोजित की गई थी। उससे मेरा परिचय हुआ इनसे और मुझे उनको देख के उस समय ऐसा लगा कि ये केवल जो है पुस्तक प्रेमी ही नहीं है, बट अपने आप में कविता लेखन करते हैं, किताबें लिखते हैं, UPSC में कैसे एग्ज़ाम दिया जाए उसके ऊपर मोटिवेशनल किताबें लिखते हैं। आपने हिंदी मीडियम से IAS में टॉप किया है, इसलिए इनको साहित्य में, हिंदी साहित्य में जो इनका एक पेपर था उसमें इनको हाईएस्ट मार्क्स मिले। इन्होंने एसे में जो है बहुत अच्छा काम किया UPSC में, तो हिंदी के उसमें काफ़ी दखल रखते हैं। और IAS में आने से पहले ये जो हैं सेक्रेटेरिएट में हिंदी भाषा में कार्यरत थे और इन्होंने अपनी जो रिसर्च करी है, MPhil जो किया है वो भी हिंदी भाषा पे किया है। तो हम इनसे बहुत सारी बातें इनके क्रिएटिव एस्पेक्ट्स के बारे में आज करेंगे, बट सबसे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी निशांत जी, और वो ये है कि जब मैंने आपसे इस प्रोग्राम के बारे में आपका बायो प्रोफाइल मांगा, तब आपके ईमेल के नीचे मुझे एक बहुत ही सुंदर, जिसे कह सकते हैं एक फ्रेज, पहली बार जो मैंने देखा था वो परस परो प्राग्राहो जीवनम, जो आपने इंग्लिश में एक्सप्लेन किया था, लिविंग बीइंग्स बेनिफिट बाय हेल्पिंग ईच अदर। ये जो परोपकार की आपने बात आपके ईमेल में आपके स्टैम्प की तरह से जाती है, वो आपको ना केवल डिफाइन करती है बट आपकी पब्लिक सर्विस के प्रति कमिटमेंट और डेडिकेशन भी दिखाती है। तो आप बताएं कि ये क्या चीज़ है, श्रोताओं को उसके बारे में और विस्तार से बताएं निशांत जी। मैम, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है। मेरा नाम निशांत जैन है, तो ओबियसली मैं जैन समुदाय से ताल्लुक़ रखता हूँ। और बचपन से आपने कभी नोटिस किया होगा मैम कि जब भी कोई जैनों का कोई रिलीजियस प्रोग्राम होता है या कोई इनविटेशन कार्ड होता है शादी का, तो उस पर एक जैन धर्म का चिन्ह बना होता है। एक चिन्ह होता है जो इसमें तीन लोग की रचना होती है, जैन उसके हिसाब से, ग्रंथों के हिसाब से। उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है, जो लाइन वो लिखी होती है वही लाइन आपने अभी कोट की, परस परोपग्रहो जीवानाम। परस परोपग्रहो जीवानाम जो है वो एक जैन ग्रंथ है, तत्वार सूत्र, उसका एक सूत्र है जो ये बताता है कि इस दुनिया में जितने भी, न केवल मनुष्य, जितने भी प्राणी, लिविंग बींग्स हैं, वो जीवन में जो आगे बढ़ते हैं वो एक दूसरे की हेल्प से ही आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह से हम लोग साथ निभाते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, यही इस कोट का संदेश है। और मैं समझता हूँ मैम, जैसा आपने कहा कि न केवल लाइफ बल्कि पब्लिक सर्विस में भी ये संदेश बहुत काम आता है।
बहुत ही बढ़िया निशान जी, और मुझे लगता है कि हमें इसी तरह से साथ निभाते हुए और अपने श्रोताओं को साथ लेते हुए इस एक घंटे का समय जो हमें दिया गया है उसको बिताना है। तो इससे पहले मैं आपसे और दूसरा सवाल पूछूं, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, जिस बुक प्रदर्शनी में अजमेर में जो आपने सिंगल हैंडेडली क्यूरेट करी और जिसको आपने लगवाया, और फिर केवल लगवाया ही नहीं बट आपने हम जैसे ऑफिसर्स को उसको दिखाया भी लगने से पहले, मैं तो बहुत प्रीव्यू में को देखने का आपके साथ मौका मिला, और उससे भी ज़्यादा बड़ी बात है कि आपने अपने जो आपका पैशन था आपने वहाँ अजमेर में जितने भी आपके जूनियर ऑफिसर्स थे, आपके पियर में काम करने वाले ऑफिसर्स थे और जो आपके सीनियर्स भी थे, आपने उन सबको उस प्रोसेस से जोड़ा, और ना केवल सिविल सर्विस को जोड़ा बट आपने सिविल सोसाइटी को भी जोड़ा, और वो बहुत ही कामयाब आपका अफेयर रहा। और हम तो ये भी सुनते हैं कि आपने अलवर में भी ये काम किया था, तो शायद हमारे जयपुर के श्रोता ये जानना चाहेंगे, क्योंकि अब आप जयपुर आ गए हैं, तो आपके मन में अलवर में और अजमेर में रहते हुए ख्याल कैसे आया, और अब क्या आप कुछ जयपुर में भी ऐसा अपने श्रोताओं और बुक लवर्स के लिए कुछ ऐसा करने का प्रयास रखते हैं? मैम, नेशनल बुक ट्रस्ट का नाम हम सबने सुना है मैम, जो भारत सरकार का एक बॉडी है जो इसका काम ही किताबों को प्रमोट करना है, किताबों के बारे में रुचि जो है उसको फैलाना है। तो मैं चूंकि उनको जानता था और मेरी एक किताब भी जो हिंदी के ऊपर है, राजभाषा के रूप में हिंदी, वो नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी भी है, इसलिए मैं वहाँ पे उन लोगों को, वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको जानता था। जब मैं अलवर में प्रोबेशन कर रहा था तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मैं यहाँ अभी पोस्टेड हूँ, क्या आप यहाँ पे 4-5 दिन की एक एग्जीबिशन लगा सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि वाई नॉट, हम लोग उन्होंने एकदम से उसको एक्सेप्ट किया, और अलवर में हमने एक 4-5 दिन की बुक फेस्टिवल के नाम से, हमने मतलब एनबीटी ने जिला प्रशासन के साथ मिलके उसको लगाया। उसमें ना केवल हमने बुक की एग्जीबिशन लगाई बल्कि साथ में लिटरेरी और कल्चरल एक्टिविटीज़ भी रोज सुबह शाम वहाँ पर होती थी। फिर अजमेर में जैसे मेरी पोस्टिंग हुई तो वहाँ पर जब मैं, फिर मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना यहाँ पर भी, तो मैंने फिर से उनको कॉन्टैक्ट किया, और अजमेर चूँकि बड़ा शहर है शिक्षा के हिसाब से, तो वहाँ पर 9 दिन का प्रॉपर पुस्तक मेला, बुक फेयर एनबीटी ने ऑर्गेनाइज़ किया, अगेन जिला प्रशासन के सहयोग से, उसमें सारा जितने भी DM वहाँ के और जितने भी अधिकारी हैं उन सबका सहयोग रहा। वहाँ पे भी अगेन सारे स्कूल, सारे कॉलेज, सारे संस्थाएं, सब लोग वहाँ पर आए, और 9 दिन एक बड़ा ज़बरदस्त किताबों का मेला वहाँ पे लगा। तो ये तो रही बात अलवर और अजमेर की, और जयपुर में कोशिश करेंगे मैम कि शायद IAS एसोसिएशन के सहयोग से या किसी और माध्यम से NBT से हम ये एक मेला यहाँ पे भी लगवा पाएं। आपने तो निशांत मेरे मुंह की बात छीन ली, तो हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अब आपको ध्यान रखना होगा कि निशांत जी जो हैं NBT के माध्यम से और IAS एसोसिएशन के माध्यम से जो हैं, एक बहुत जल्द ही हम लोग अगले साल में कोशिश करेंगे कि हम आप लोगों के लिए जो बुक लवर्स हैं जयपुर में उनके लिए एक अच्छी बुक एग्जीबिशन जो ला सके। हम और बात निशांत जी से करें, इनसे आप सभी श्रोता मेरे ख्याल से आपसे जानना चाहेंगे कि आपने UPSC में अपने साहित्य के पेपर में बहुत अच्छा नंबर स्कोर किए, हाईएस्ट कहते हैं उस साल में आपको मिले, आपने हिंदी में निबंध भी लिखा, उस निबंध के बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि निबंध का शीर्षक क्या था, वो निबंध किस बारे में था, अगर थोड़ा सा आप बताएं, फिर हम बात करेंगे आपकी कविताओं की रचनाओं के बारे में जो आप बच्चों के लिए लिखते हैं, और उसमें मेरा विशेष आपसे ध्यान और इंटरेस्ट इसलिए है बिकॉज उसमें बहुत सारा कुछ साइंस और विज्ञान भी, आपने टेक्नोलॉजी भी डाल रखा है, तो उस पर भी बात करेंगे, बट थोड़ा सा एक शॉर्ट सा क्वेश्चन आपके UPSC के एस्से के बारे में जानते हैं। मैम, UPSC में अब नए पैटर्न में 2 essays लिखने होते हैं, तो दोनों में चॉइस होती है ऑब्वियसली, तो मैंने पहला essay जो चुना था वो कोई फिलोसॉफिकल टाइप का essay होता है जिसमें कोट दी होती है और उस पर आपको पूरा essay लिखना होता है, तो मैंने चुना था, मेरा विषय था अधिकारों के साथ साथ उत्तरदायित्व बढ़ता जाता है, यानी जैसे जैसे आपके अधिकार राइट्स जिनकी हम बात करते हैं, मेरा हक, तो उसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ती चली जाती है, उस पर मैंने essay लिखा था। और दूसरा टॉपिक था क्या स्टिंग ऑपरेशन निजता पर प्रहार है, क्या ये प्राइवेसी पर एक अटैक है, तो इन दो टॉपिक्स पे मैंने essay लिखा था। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आज ही हम लोगों का एक साइंस जर्नलिज्म वर्कशॉप होके हटा है, तो ये जो बात है उसमें एथिक्स की बात स्टिंग ऑपरेशन में आई,
और दूसरा हम अपने श्रोताओं को ये भी बता दें कि जो पहला एसे आपने लिखा था वो एसे का अभी हाल ही में 4 दिन बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस जो है राजस्थान सरकार मना रही है, 26 नवंबर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन डे हम सेलिब्रेट करेंगे 26 नवंबर 2019 से लेके 14 अप्रैल 2020 तक। तो आपने मुझे ये मौका दे दिया इस माध्यम से ये सभी श्रोताओं को बताने का कि 26 नवंबर आने वाला है और जहां हम अपने राइट्स की बात करते हैं वहां अपने ड्यूटीज़ का भी आप ख्याल रखें, ऐसा निशान जी जो है अपने एसे में लिख के यहां तक पहुंचे हैं। इसलिए आप भी इस बात को ध्यान रखें ताकि आपका भी जीवन में सफ़र अच्छा और लंबा हो सके। जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साये बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साये बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अभिव्यक्ति श्रीमती मुग्धा सिन्हा के साथ। हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें कि हम बातचीत कर रहे हैं निशान जैन साहब से, आज के वो हमारे राही हैं। अभी कार्यक्रम में बहुत समय बचा है इसलिए हम उनसे कुछ और कविताओं के बारे में उनकी बात करते हैं। बेटी से रोशन ये आंगन, बेटी से ही अपनी पहचान, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार विज्ञान हो या संचार, तेरी काबिलियत के आगे नतमस्तक हर संसार। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये निशान जैन साहब अपनी बच्चों की कविताओं में हमसे कह रहे हैं। अभी आपने गाना सुना ओ राही, अब इनसे सुनते हैं उसी तरह की एक मिलती जुलती कविता जो इन्होंने लिखी है, उसके बारे में आप थोड़ा बताइए भी कि आप क्या सुनाने जा रहे हैं। और उससे पहले एक प्रश्न छोटे से का भी श्रोताओं को बताइए कि आपने ये कविता का शौक आपको कैसे हुआ और आपने पहली कविता कब लिखी? मैम, मैंने पहली कविता तब लिखी थी जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था। तो एक न्यूज़पेपर में एक कॉम्पिटिशन हुआ था कि आप अपनी कोई भी कविता, बच्चों वाली कविता, बाल कविता जिसको बोलते हैं, वो लिखकर भेज सकते हैं। मैंने लिखकर भेजी थी और वो वहाँ पर छपी भी थी। तो उसके बाद फिर मैं बच्चों की कविताएं लिखने लगा। मैं खुद भी बच्चा था और बच्चों के लिए ही कविताएं लिखता था। पर इसको सुनने के लिए एक शर्त है कि आपको पहले खुद को बच्चा मान करके तभी आप ये कविता सुन सकते हैं। जैसे कि अभी गाना चल रहा था रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, तो उसी की तरह का एक पॉजिटिविटी से भरपूर एक कविता मैंने लिखी थी, वो मैं पढ़कर आपको सुनाता हूँ। कविता बेसिकली उस थीम पर है कि जैसे जैसे जिन्होंने हमारे दुनिया में निकल गए जो एक जज्बे के साथ, और उन्होंने कुछ महाद्वीप खोजे, किसी ने कोई दुनिया देश खोजा, तो उस पर ये कविता है। समय समय पर साहसियों ने तोड़े हैं दस्तूर, समय समय पर साहसियों ने तोड़े हैं दस्तूर, जाने कैसे भरे हुए थे दिमागों में फितूर। पुर्तगाल का सनकी नाविक छोड़ सभी आराम, करके पार समंदर पहले पहुंचा हिंदुस्तान। आप जरूर उसका नाम समझ गए होंगे। और फिर कोलंबस का भी था प्यारे कैसा अजब सलीका, चला ढूंढने भारत था पर जा पहुंचा अमेरिका। कैप्टन कुक की बात निराली थकने का क्या काम, अटक भटक पहुंचे ऑस्ट्रेलिया कंगारू के धाम। खुराफात थी क्या थी मन में हिम्मत का क्या दम, नई नई राहों पर बढ़ना हो सुख या हो गम। तूफान बवंडर भवर आंधियां हों कितनी बाधाएं, लेकिन धुन के हो जो पक्के कैसे वे रुक पाए। अरे वाह निशांत, आपने तो बहुत ही अच्छी
नर्सरी राइम की तरह से एक जो है इतिहास को भी मिला दिया, साइंस को भी मिला दिया और बच्चों को भी जो है इनसे जोड़ दिया, तो बहुत ही, और आपकी कविता में जो है बहुत लयबद्ध आपकी कविताएं हैं, बहुत अच्छा लगा सुन के। मैं अपने श्रोताओं को एक चीज़ और ये बता दूं इससे पहले कि हम इनकी दूसरी कविता सुने, और यहाँ थोड़ा मेरा एक जिसे कह सकते हैं सेल्फिश मोटिव है, बिकॉज जब मैं इनका ब्लॉग में पढ़ रही थी उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, निशान जी ब्लॉगिंग करते हैं और बहुत विषयों पर ब्लॉगिंग करते हैं, और इनकी एक कविताओं की, बच्चों की कविताओं की किताब भी आई है जिसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था, इसीलिए मैं इनकी कविताएं पढ़ने लगी और आपको भी बड़ा मज़ा आएगा। उसका नाम है शादी बंदर मामा की, मुझे कुछ कुछ चंदा मामा की याद आ गई इसलिए मैंने इनकी कविताएं पढ़ी। इन्होंने जो है ऐसे साइंस के और तकनीक के विषयों पर कविताएँ लिखी हैं, जो इनमें से एक मैं आपसे आग्रह भी करूँगी कि सुनाएं। अब देखो ईमेल पर, फेसबुक पर और मोबाइल पे भी आपने कविता लिख डाली, तो क्या हम आपसे आग्रह कर सकते हैं कि श्रोताओं को इन सब विधाओं पे लिखी हुई कविता में से कोई एक कविता जो आपको पसंद हो वो आप सुनाएं। मैम ये जो चीज़ें हैं ये आज हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं, और लोग ज़रूर कहते हैं कि इनसे थोड़ा बचना चाहिए, पर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इनका कंस्ट्रक्टिव यूज़ करना चाहिए, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, टेक्नोलॉजी से, टेक्नोलॉजी को सही तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो ये कविता तब की है जब हम लोग कॉलेज में थे और मोबाइल का एक आगमन हुआ था हमारी ज़िंदगी में, तो उस समय मैंने बच्चों के लिए कविता लिखी थी किस तरह से मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी को बदला। अगेन आपको बच्चा बनना पड़ेगा इसको सुनने के लिए थोड़ी देर के लिए, कि बोले बच्चे चीज़ है ये मोबाइल बड़ी कमाल, हो पहाड़ पर या जंगल में, धरती पर हो या अंबर में, चुटकी भर में बात कराए कैसा किसका हाल, मम्मी के मन चिंता छाई बबली अब तक क्यों ना आई, फोन मिलाया एक मिनट में बिन पिचकाए गाल, चिट्ठी के दिन जब से बीते दादाजी थे रीते रीते, चिट्ठी के दिन जब से बीते दादाजी थे रीते रीते, अब मोबाइल पर मैसेज से करते रोज धमाल, चलते फिरते बात करें हम, लेटे बैठे याद करें हम, मम्मी बोली देखो जी अब इन बच्चों की चाल, रेल में हो या कोई रैला तार वार का नहीं झमेला, नए दौर की पीढ़ी से है बैठी इसकी ताल। वाह बहुत ही खूबसूरत। पिछले एपिसोड में आपको ध्यान है हम बात कर रहे थे जितेंद्र सोनी साहब से, जो भी कविता लिखते हैं, और हमने आपको उस एपिसोड में बताया था, जो श्रोता हमारा रेगुलर ये कार्यक्रम देखते हैं अभिव्यक्ति का उनको ध्यान होगा कि हमने बात करी थी कि उन्होंने एक सभी सिविल सर्वेंट्स जो कविता लिखते हैं उनकी एक किताब का कविताओं का संकलन किया था, जिसको वो कविता परस्पर के नाम से उन्होंने निकाला था। ये बहुत ही हमारी खुशनसीबी है कि आज निशान जैन साहब हमारे साथ हैं, और डॉक्टर जितेंद्र सोनी साहब की उस कंपाइलेशन में इनकी भी कुछ कविताएं जो हैं जो युवाओं के लिए और बड़े लोगों के लिए, बच्चे भी सुन सकते हैं सीख सकते हैं, उनके लिए लिखी गई हैं। और मुझे जब मैंने आपकी एक कविता जो ये हम इनसे आग्रह करेंगे कि हमारे श्रोताओं को सुनाएं, जब मैंने पढ़ी तो मुझे वो एक कविता है रुडयार्ड किपलिंग की इफ़ वो ध्यान आ गई, इफ़ वी हैव नो टाइम टू सिट एंड स्टेयर, क्योंकि आज का हमारा जो है जीवन बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है, बहुत बिजी हो गया है, तो जो कविता के लिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहती हूँ उसका नाम है वक्त कहाँ, और मुझे लगता है कि आज हमारे पास इस कार्यक्रम में हो या जीवन में हो वक्त कहाँ है, तो आप सुनाएंगे इस कविता को हमें श्रोताओं के लिए। जी मैम, जैसा कि आपने कहा कि ज़िंदगी बहुत स्ट्रेसफुल है, और इस स्ट्रेसफुल ज़िंदगी में सबसे मुश्किल काम है रिश्तों को निभाना, तो उसी पर मैंने एक कविता लिखी, मैं वो सुनाता हूँ आपको, कि वक्त कहाँ अब कुछ पल दादी के किस्सों का स्वाद चखूँ, वक्त कहाँ अब कुछ पल दादी के किस्सों का स्वाद चखूँ, वक्त कहाँ बाबा के शिकवे फटकारें और डांट सहूँ, कहाँ वक्त है मम्मी पापा के दुखधर चुराने का, और पड़ोसी के मुस्काते रिश्ते खूब निभाने का, और रिश्तों की गर्माहट पर कब ठंडी रूखी बर्फ जमी, रिश्तों की गर्माहट पर कब ठंडी रूखी बर्फ जमी, सोंधी सोंधी मिट्टी में कब फिर लौटेगी वही नमी, जब पतंग की डोर जुड़ेगी भीतर के एहसासों से, जब पतंग की डोर जुड़ेगी भीतर के एहसासों से, भीनी भीनी खुशबू फिर महकेगी कब इन सांसों से,
और सूने से इस कमरे में कब तैरेंगी मीठी यादें, बिछड़े साथी कब लौटेंगे अपना अपनापन साधे, कब आएगा समझ मुझे क्या जीवन का असली मतलब, खुशियों को आकार मिलेगा, होंगे सपने अपने जब। और अंतिम पंक्तियां जो आपकी कविता से लिंक कर रही हैं कि कभी मिले कुछ वक्त अगर तो ठहर सोचना तुम कुछ पल, कभी मिले कुछ वक्त अगर तो ठहर सोचना तुम कुछ पल, यूं ही वक्त कटेगा या कुछ बेहतर होगा अपना कल। अरे वाह, बहुत ज़रूर अच्छे दिन आएंगे, कल भी बेहतर होगा और खुशियों का आकार भी है। मुझे आपको लगता है कि इस कार्यक्रम के साथ आपको बहुत सारा आपकी खुशियों का आकार कविता में पिरो के आपको सुनने को मिल रहा होगा। आइए चलते हैं, एक गाना सुनते हैं। अंगारों में जिस्म जलाया है तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी जमीन अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। हाँ मेरी जमीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अभिव्यक्ति श्रीमती मुग्धा सिन्हा के साथ। आइए हम अभिव्यक्ति कार्यक्रम में हैं और बातचीत कर रहे हैं निशांत जैन साहब से। मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, ये सभी सोचते हैं, और ये निशान जी की किताब का नाम भी है जो इन्होंने विशेषकर अपने अनुभव से आप सभी श्रोताओं के लिए लिखी है जो यूपीएससी में आना चाहते हैं। तो मैं आपसे निशान जी रिक्वेस्ट करूंगी, बिकॉज़ हमारे बहुत सारे युवा साथी हैं दूर दराज में, शहरों में भी और ख़ासकर गांव में भी, जिनका रुझान इस सर्विस के प्रति होगा या कोई भी एग्ज़ाम के प्रति होगा और जो आज आपको सुन भी रहे होंगे। आप हमें दो चीज़ें बताइए, एक तो ये किताब का ख्याल कैसे आया, इस किताब में आपने क्या लिखा है, और फिर जाने से पहले इसको, इस वाले सेशन को ख़त्म करने से पहले ये भी बताइए कि आप क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे युवाओं को जो यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं। बिकॉज आप में मैं देख रही हूँ इस कार्यक्रम के माध्यम से कि बहुत ही बैलेंस्ड जीवन रहा है, आप क्रिएटिव साइड को भी आपने पनपने दिया और रहते रहते आपने पढ़ते पढ़ते ये एग्ज़ाम देके उसमें बहुत अच्छे अंकों से 13वीं रैंक प्राप्त करते हुए आप सफल भी हुए। तो इसके बारे में हमें और श्रोताओं को भी बताइए। मैम, जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो चूंकि मैं हिंदी मीडियम से था और मेरी पूरी पढ़ाई प्राइमरी सेकेंडरी कॉलेज तक पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से ही हुई, जो कि एक आम बात है भारत में, पर ये तो आम है पर ये बात थोड़ी आम नहीं है कि एक हिंदी मीडियम का बच्चा जिसने पूरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से की हो वो यूपीएससी का एग्ज़ाम भी पूरा हिंदी मीडियम में ही लिखे और उसके बाद वो अच्छी रैंक या अच्छे अंक प्राप्त कर सके। मेरे साथ जब ये हुआ, फॉर्चुनेटली मेरे साथ ऐसा हुआ और मुझे अच्छे मार्क्स मिले और मुझे प्रॉपर आईएएस मिला, मेरी पसंद का कैडर मिला, सब कुछ मिल गया, तब मुझे ये महसूस हुआ मैम कि ऐसे बच्चे जो दूर दराज के हैं या जो किसी कोचिंग पर डिपेंड हैं या जो किसी जिनके पास कोई मार्गदर्शन नहीं है, उनको सही बात, क्योंकि हम तो उस फेज से गुजरे हैं जब हम तैयारी कर रहे थे पर हमें शायद उस समय किसी ने बताया नहीं, हम कुछ गलतियां भी की हमने तैयारी के दौरान, एक बार असफल भी हुए। तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों से भी बात की और बात करके और उनके भी अनुभवों को नोट किया मैंने और ख़ुद के अनुभवों के हिसाब से
मैंने कोशिश की एक ऐसी किताब लिखूं जो बच्चों के लिए गाइड का काम करे कि आखिर यूपीएससी की तैयारी अगर करनी है तो कैसे करें, और हिंदी में ही वो किताब लिखनी थी क्योंकि अंग्रेज़ी में तो ऑलरेडी बहुत सारी किताबें अवेलेबल हैं यूपीएससी की तैयारी की स्ट्रेटेजी बताने के लिए, पर हिंदी में इस तरह की कोई किताब नहीं थी, तो इसलिए मैंने उस किताब को लिखने का निर्णय लिया। और लिखना भी क्या, अलग से समय तो मिलता नहीं था मैम, ट्रेनिंग चल रही थी तो मैं कभी कभी जब भी शाम को खाली होता था तो थोड़ा समय चुरा के आधा घंटा मोबाइल पर ही एक ऐप में लिख लिया करता था। इस तरह से पूरे मोबाइल पर हिंदी में टाइप कर करके मैंने इतनी ये किताब पूरी की पूरी उस पर लिखी। दूसरी बात कि इस किताब में आपने पूछा कि क्या लिखा है, मैंने इस किताब में मैंने लिखा है यूपीएससी के तीन फेज़ होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इन तीनों फेजेस के बारे में डिटेल में लिखा है। मेंस के जो अलग अलग पेपर होते हैं, एसए का पेपर होता है, आजकल एक नया पेपर एथिक्स का पेपर भी होता है, जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है, उन सब के बारे में डिटेल में बताया, राइटिंग स्किल के बारे में भी बताया है। इस तरह से एक पूरा चैप्टर वाइज बताने की कोशिश की है कि आखिर यूपीएससी का जो चक्रव्यूह है उसको हिंदी मीडियम में रहकर कैसे भेदा जाए। और तीसरी बात मैम आपने कही कि आप क्या कहना चाहेंगे जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको, खासतौर पे वो लोग जो किसी न किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी हो, या मैं तो ये मानता हूँ कि हम किसी भी लेवल पर हों वहाँ पर अपना अच्छा योगदान कर सकते हैं, चाहे हम एक पटवारी ही बने, चाहे हम एक कॉन्स्टेबल ही बने या एक ग्राम सेवक ही बने, जहाँ भी रहें वहाँ पर अच्छा योगदान कर सकते हैं। तो कंपटीशन की तैयारी करने वाले दोस्तों को मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों एक तो एक बात आप याद कर लीजिए कि नेवर 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 गिव अप, आपको कभी गिव अप नहीं करना है। अगर आपका किसी जो आप कंपटीशन में सक्सेस चाहते हैं उसमें अगर आपको नहीं मिलती है तो इसका मतलब ज़िंदगी ना तो कभी रुकती है ना कभी थमती है, आप उसके बाद कोई दूसरा विकल्प भी तैयार रखिए। मैं तो हमेशा मैम प्लान बी तैयार रखता था कि अगर प्लान ए मेरा सक्सेसफुल नहीं हुआ, मैं आईएएस नहीं बना, तो क्या उसके बाद मैं करूँगा। तो इसलिए मैं यही कहूँगा दोस्तों से कि प्लान बी भी तैयार रखें ताकि बाद में निराशा और अवसाद से आपको ना गुजरना पड़े, और नेवर 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 गिव अप, हमेशा आगे बढ़ते जाएं। मैं एक चार पंक्तियाँ जो मुझे हमेशा बहुत पसंद आती रही मैम, दुष्यंत कुमार एक हिंदी के बड़े फेमस गज़लकार हुए, उन्होंने चार पंक्तियाँ लिखी जो जब भी मैं तैयारी के दौरान बहुत परेशान होता था, एक बार तो मैं फेल भी हो गया था प्री में, तो वो चार पंक्तियाँ कुछ इस तरह हैं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ है दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। अरे वाह, बहुत खूबसूरत, आपने जो है वो भीगी हुई बाती में भी आग लगाने का तरीका सब लोगों को सिखाया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही मोटिवेशनल चीज़ें लिखी हैं। तो मैं अभी सभी दर्शकों को श्रोताओं को ये भी बता दूं कि आपकी जो हिंदी में लिखी गई किताब है उसका अनुवाद इंग्लिश में भी हुआ है, अक्सर उल्टा होता है, इंग्लिश की किताबों का हिंदी में अनुवाद होता है, बट इस हिंदी की किताब का अंग्रेज़ी में अनुवाद हुआ है, तो अंग्रेज़ी के श्रोता या लेखक या पढ़ने वाले रीडर्स वो भी पढ़ सकते हैं। और खूबसूरती की बात यह है कि ये मराठी में भी इसका अनुवाद हुआ है, तो बहुत ही अच्छी बातें आपने कही, और मुझे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप तो मेरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के भी ब्रांड एम्बेसडर बनते जा रहे हैं, बिकॉज आपने पूरी किताब जो है वो पेन ऑन पेपर की जगह आपने स्टाइलस ऑन मोबाइल पर ही लिख डाली है, तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। हमारा तो ये विज्ञान से रुचिपूर्ण बनाने का, पहले आप विज्ञान के ऊपर कविताएं लिखते हैं फेसबुक इंटरनेट मोबाइल और ट्विटर, और अब जो है आप अच्छा सा संदेश भी साइंस में देते हैं। चलिए थोड़ा सीरियस बातों से हटके हम दूसरी बातें करते हैं, आप एक ब्लॉग लिखते हैं, हमें थोड़ा सा अपने उस ब्लॉग के बारे में भी बताइए, क्योंकि मैंने आपका ब्लॉग पढ़ा तो मुझे आपके बारे में बहुत विस्तृत जानकारी हुई। ब्लॉग में मैंने देखा कि आप लेखनी जो सीरियस टाइप की लेखनी है, रिसर्च टाइप की लेखनी है, उसके अलावा बहुत लाइट हार्टेड चीज़ें भी लिखते हैं। आप कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिनेमा प्रेमी भी हैं, और जैसे कि हमारे बहुत सारे श्रोता भी होंगे जो गाने सुनते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, म्यूज़िक में भी आप दखल रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, अच्छे अच्छे गाना सुनना पसंद करते हैं, और अप्रिसिएशन म्यूज़िक एंड फिल्म अप्रिसिएशन एंड म्यूज़िक एंड फिल्म रिव्यूज़ में भी आप दखल रखते हैं। साथ ही आप ट्रैवलॉग्स, आपने मसूरी में जितना भी ट्रैवल किया, चाहे वो विलेज
जो एक्सपेडिशन होता है या ट्रैक होता है या भारत दर्शन होता है उसके बारे में भी आपने छोटे छोटे किस्से जो हैं लिखे हैं, उन सब के बारे में भी हम आपसे सुनना चाहेंगे। बट पहले आप मुझे ये बताइए कि किताबें या फिल्में क्या पसंद करते हैं, इनमें से अगर आपको एक चुनना पड़े तो क्या है, किताब या सिनेमा? मैम चुनना तो बहुत मुश्किल है, पर फिर भी किताब पढ़ने में ज़्यादा समय लगता है ऑब्वियसली, और कई बार फिल्म इतनी अच्छी बन जाती है उस किताब पे कि उसको पढ़ के देख कर भी आप पूरा आनंद उठा सकते हैं। तो यहाँ मेरा झुकाव थोड़ा फिल्म की ओर हो रहा है मैम, हालांकि आई एम ए बुक लवर। दैट इज़ वेरी नाइस। तो अच्छा, आपने क्योंकि फिल्म के बारे में मेंशन किया है तो आप हमें ये बताएं कि कोई ऐसी फिल्म है पसंदीदा जो आपको पसंद है, तो वो कौन सी फिल्म है अगर वो है तो, और उस फिल्म का कोई डायलॉग जो आपको लगता है जिससे आप प्रभावित हुए हैं, अगर वो आप श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहेंगे तो थोड़ा एक लाइट हार्टेड, क्योंकि हमारा कार्यक्रम ही ऐसा है कि हम आपके अंदर के इंसान को सिविल सर्विस से बाहर लाने की प्रयास कर रहे हैं। मैम फिल्में देखना मुझे अच्छा लगता है और ये एकदम आपको एक दूसरी दुनिया मिल जाता है 3 घंटे के लिए। तो मुझे बायोपिक बहुत पसंद है, आजकल बायोपिक बहुत आती हैं। बायोपिक मतलब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के ऊपर जो कोई हिस्टोरिकल फिगर रहा है, या कोई वर्तमान दुनिया में, मान लीजिए मैरी कॉम के ऊपर बायोपिक बनी, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर बायोपिक बनी, और एक दशरथ मांझी का नाम आपने सुना होगा जो एक बिहार के एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने दम पर कई सालों तक पहाड़ को काट काट कर और वो रास्ता बनाया था, तो उनके ऊपर भी एक फिल्म आई थी मांझी द माउंटेन मैन। तो इस तरह की फिल्में मैं खूब देखता हूँ। इसके अलावा रिश्तों पर भी मुझे फिल्में देखना पसंद है। एक फिल्म बनी थी जो हम सिविल सेवकों की और सरकारी कर्मचारियों की ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई थी, वो थी न्यूटन। एक ऐसी फिल्म बनी थी जिसमें एक जो राजकुमार राव का कैरेक्टर है वो एक सरकारी कर्मचारी है जिसकी चुनाव में ड्यूटी लगी है, तो वो चुनाव में जो ड्यूटी लगी है वो कितनी शिद्दत से और कितने कमिटमेंट से उस ड्यूटी को निभाता है, वो उस पूरी मूवी की थीम है। तो उसमें उसने एक डायलॉग बोला था मैम कि जीनियस व्यक्ति वह नहीं है, वही व्यक्ति नहीं है जिसके पास हर सवाल का जवाब हो। तो जीवन के कुछ ऐसे सवाल भी हैं जो अनुत्तरित रह जाते हैं, जिनका जवाब हमारे पास नहीं होता है। तो और मुझे वो मूवी भी बहुत अच्छी लगी, वो हालांकि एक बायोपिक नहीं थी पर वो फिर भी एक व्यक्ति, एक सरकारी कर्मचारी के जीवन पर केंद्रित थी। और हम लोग मैम जब भी पब्लिक सर्विस में होते हैं तो हमें ये सीखने को मिला न्यूटन फिल्म से कि उतनी ही शिद्दत और उतना ही कमिटमेंट हमारे भी व्यवहार से और हमारी भी कार्यशैली से दिखना चाहिए। यस मुझे भी ये न्यूटन फिल्म जो है देखने का अवसर प्राप्त हुआ, एंड आई टोटली अग्री विद यू कि जो कमिटमेंट और डेडिकेशन न्यूटन में दिखाया गया था वो उसी तरह का डेडिकेशन और कमिटमेंट जो है सिविल सर्वेंट से एक्सपेक्टेड है सिविल सोसाइटी की भलाई के लिए। कोई अच्छा गाना, क्योंकि हम फिल्मों की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे ब्रेक का भी समय हो गया है, तो हमें अपने श्रोताओं को कोई एक अच्छा सा बढ़िया सा गाना है तो चलिए आपकी पसंद का सुनाएं। मैम जहाँ बात रिश्तों की होती है तो मुझे ये गाना अच्छा लगता है, मैं मैरिड हूँ वैसे, तो मैं अपनी पत्नी को डेडिकेट करना चाहूँगा कि 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। अरे वाह बहुत खूबसूरत। रस्मों को रख के परे 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन पूछे मेरा नाम और पता रस्मों को रख के परे 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। हे बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना साथ मेरे। राम बॉय रे राम बॉय रे रा 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 रे राम बॉय रे राम बॉय रे रा रा रे रा रा रे।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अभिव्यक्ति श्रीमती मुग्धा सिन्हा के साथ। श्रोताओं को याद दिला दें, आज के हमारे मेहमान हैं निशान जैन जी और हम इनसे बातचीत कर रहे हैं इनकी कविताओं के बारे में, इनके सिनेमा प्रेम के बारे में और अब बात करते हैं इनसे इनकी रिसर्च्ड बुक के बारे में। आपने एमफिल किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और उसमें उन्होंने अपने हिंदी के प्रेम को ध्यान में रखते हुए जो अपना शोध किया वो शोध का विषय भी हिंदी ही रहा। शोध का टाइटल था आपका राजभाषा के रूप में हिंदी। और इन्होंने जो है यूपीएससी में आने से पहले लोकसभा सेक्रेटेरिएट में 2 साल राजभाषा प्रभाग में ये कार्यरत रहे हैं। तो इनसे हम श्रोताओं के लिए पूछना चाहेंगे कि आपका ये जो रिसर्च था राजभाषा के रूप में हिंदी, इसमें आपने क्या लिखा है, क्या हम बात करते हैं आजकल, क्योंकि बहुत सारी एक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी की बात होती है, क्योंकि हम जो हैं ग्लोबलाइजेशन के युग में रहते हैं जहाँ पर आजकल स्कूलों में, अभी राजस्थान ने कहा है कि हम ऐसे बहुत सारे स्कूल लाएंगे जिसमें अंग्रेज़ी पढ़ाई जाएगी, बिकॉज जो व्यावसायिक दुनिया है उसमें कहीं ना कहीं अंग्रेज़ी की अपनी उपयोगिता भी है। तो कई ऐसे पब्लिक स्कूल्स हैं जहाँ पर हिंदी इंग्लिश के अलावा थर्ड भाषा के रूप में फॉरेन भाषाएं, फ्रेंच हो गई, जर्मन हो गई और अब स्पेनिश हो गई सिखाई जाती है। तो अपनी किताब के बारे में भी बताइए और ये जो भाषाओं की डाइवर्सिटी है उससे यूनिटी कैसे बनती है उसके बारे में भी अपने विचार आप श्रोताओं से शेयर करें। मैम, बात जब भाषा की होती है तो पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भाषा कोई भी हो, हर भाषा की एक खूबसूरती होती है, हर भाषा की आपके साथ केवल भाषा नहीं होती, उसकी अपनी एक संस्कृति होती है। हिंदी का इतिहास 1000 साल पुराना इतिहास है और मेरे को संयोग से अवसर मिला क्योंकि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग से एमफिल की, तो मेरी किताब और मेरे शोध का विषय भी यही था, राजभाषा के रूप में हिंदी। अब आप पूछेंगे ये राजभाषा क्या है, तो राजभाषा जो है वो किसी भी देश की एक राजभाषा होती है, वहाँ की एक ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, उसको वहाँ की राजभाषा कहते हैं। जैसे किसी देश की इंग्लिश हो सकती है, किसी देश की स्पेनिश हो सकती है, चीन की अपनी भाषा है, फ्रांस की अपनी भाषा है, रशिया की अपनी भाषा है। तो ऐसे ही भारत में 1949 में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। अभी जैसे हम आकाशवाणी में भी बैठे हैं तो यहाँ पर भी राजभाषा अधिनियम लागू होता है, राजभाषा का जो एक्ट है वो केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों पर लागू होता है। अब इसका प्रैक्टिकल में आप प्रयोग देखें कि जैसे आप बैंक जाते हैं, हाल चाहे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें या ऑफलाइन करें, अगर आप बैंक जाते हुए गांव का आदमी या कस्बे का आदमी आया हुआ है वहां पर और वो जमा करने के लिए पैसे को अपनी पर्ची भर रहा है, अगर राजभाषा का अधिनियम ना हो तो हो सकता है वो बैंक उसे केवल अंग्रेज़ी में ही वो ऑप्शन दे, लेकिन राजभाषा के ये नियम जो भारत सरकार के हैं इनकी वजह से उसे वहाँ हिंदी में भी भरने का ऑप्शन मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आज हम कहीं भी जाते हैं हम देखते हैं लिखा है भारतीय स्टेट बैंक, वो हिंदी में भी लिखा होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़रूरी नहीं कि उनको अंग्रेज़ी उतनी अच्छी तरह आती है या उनको अंग्रेज़ी के, तो उसके लिए हम भाषा कोई भी हो, तो चाहे हम किसी भाषा में कितना भी आगे बढ़ें, जमकर भाषाएँ सीखें, चाहे वो शास्त्रीय भाषाएँ सीखें, चाहे वो विदेशी भाषाएँ सीखें, पर अपनी भाषा को कभी ना भूलें और अपनी भाषा का भी हमेशा अपने जीवन में एक खास स्थान होता है, वो स्थान बना रहे, यही मेरी भावना रही। बहुत ही अच्छा, क्योंकि आपने भाषाओं से जो है हमको ट्रैवल कराया, ना केवल संस्कृति में बट एक विचारों की दुनिया में, और आपकी खुद की किताब का बहुत सारा ट्रांसलेशन अन्य भाषाओं में हुआ है, तो ये बहुत ही खूबसूरती की बात है कि सब भाषाओं की, आपने कहा कि अलग अपनी संस्कृति होती है, लैंग्वेज इन इट्सेल्फ इज़ अ सिविलाइजेशन, और अलग अलग भाषाओं की किताबों के ट्रांसलेशन के माध्यम से हम अलग अलग दुनियाओं को देख पाते हैं। एक छोटी सी बात हम करते हैं, एक नया आयाम हमने जो है कोशिश करी है इस बार अपने कार्यक्रम में लाने का, तो हम जैसे कि आप देखते आए हैं टेलीविज़न की दुनिया में एक रैपिड फायर राउंड होता है, तो मुझे लगा कि शायद हमको AIR में, क्योंकि समय अब कम है और एक कविता अभी हमारा लालच है बना हुआ कि हम आपसे एक कविता और सुने, तो हम जल्दी से आपसे कुछ रैपिड फायर राउंड से आपको थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं। तो आपको हाँ या ना में चॉइस दी जाएगी, तो आपको चूज़ करना है, तो भारत दर्शन या विदेश यात्रा? भारत दर्शन।
अरे वाह, किताब या सिनेमा? सिनेमा। ओके, आपका फेवरेट पोएट कौन है? निराला। आपको निराला जी क्यों पसंद है? क्योंकि निराला दोनों पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ लेकर चलते हैं, मतलब दो जीवन के जो सारे एस्पेक्ट्स हैं ना, वो उन सबको मिला देते हैं, तो इसलिए निराला मुझे पसंद है। आपने किताब और सिनेमा में सिनेमा को चूज किया है, ये मैंने आपसे जानबूझ के पूछा, बिकॉज पहले आप सिनेमा बता चुके थे, मुझे लगा शायद रैपिड फायर में कहीं आप स्लिप कर जाएंगे तो हम आपको पकड़ लेंगे, पर आप स्लिप नहीं करे। बट रीडिंग और राइटिंग में से, पढ़ना या लिखना, इनमें से आपको क्या ज़्यादा पसंद है? राइटिंग। और क्यों? क्योंकि जो हम पढ़ते हैं, एक तो लिखने से क्या होता है, लिखने से बहुत आप डी स्ट्रेस फील करते हैं, जो आपके मन में बातें हैं वो भले ही आप, जरूरी नहीं कि वो किसी को किताब छपवाने के लिए आप पढ़ लिखें, वो आप अपनी डायरी के लिए भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम जो लिखें वो सबके सामने आए ही, पर अगर कुछ अच्छा आपने लिखा है तो उसे सामने लाने में कोई दिक्कत भी नहीं है। तो इसलिए जो हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, उसको लिखते भी रहें तो थोड़ा कंट्रीब्यूशन होता रहता है। आपका फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन कौन सा है? आपने बहुत यात्राएं करी हैं, ट्रैक किए हैं, सबसे अच्छी जगह जहां जाने का आपको बार बार मन करता है वो क्या है? मैम, मैं अभी तक सिक्किम नहीं जा पाया हूँ, तो मैं अभी सिक्किम जाना चाहता हूँ। अगर मुझसे कोई ये पूछता तो मैं कहती मुझे घर जाने का मन करता है। अच्छा, एक मैं आपसे मुश्किल सा सवाल पूछने वाली हूँ अभी, इसमें आपसे मैं कहूँगी आप ईमानदारी से बिना किसी डर और उसके एक्सपेक्टेशन या जजमेंट के इसको आंसर कर सकते हैं। आप यूपी में मेरठ से रहने वाले हैं, वो आपकी मातृभूमि है, और राजस्थान आपका काडर है, तो ये आपकी कर्म भूमि है, तो मातृभूमि या कर्म भूमि? मुझे तो कभी लगा ही नहीं कर्मभूमि मातृभूमि अलग अलग हैं। तो इसे कहते हैं, देखिए हर अधिकारी जो कहीं ना कहीं जब इस तरह की मुश्किल घड़ियों में फंस जाता है जहां उसको एक चॉइस करनी होती है, तो वो बहुत बड़ा डिप्लोमेट भी साबित होता है, तो ये भी एक आपका गुण है जो आज हमें पकड़ में आया। तो एक और इसी तरह का प्रश्न हम आपसे पूछते हैं, अगर आपको चूज करना हो सक्सेस या सेटिस्फेक्शन, तो आप क्या चूज करेंगे? कोई डाउट ही नहीं है मैम, सेटिस्फेक्शन। अरे वाह, तो श्रोताओं देखो, आपने देखा कि मातृभूमि और कर्म भूमि जो है वो एक ही हैं, हम पर्सनल और प्रोफेशनल एक ही हैं, और शायद इसीलिए इस अभिव्यक्ति जैसे कार्यक्रम की हमें ज़रूरत है, क्योंकि हम ऑफिसर की कुर्सी पे बैठते हैं तो इंसान होना नहीं छोड़ते, क्योंकि हम जब काम करते हैं, पब्लिक सर्विस करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा ध्येय जो है वो सेटिस्फैक्शन का होना चाहिए। अब क्योंकि समय कम है और हमें श्रोताओं को एक अच्छी सी इनकी और कविता सुननी है, तो आओ मन की पढ़ते खुलें निशान जी के साथ, जो इनकी कविता का टाइटल भी है। दोस्तों, जब मैं हिमाचल में विलेज विजिट में गया था, तो वहाँ पर मैंने कविता लिखी थी, आओ मन की पढ़ते खोलें। लाल लाल से बादल ऊपर और नीचे धानी सी चादर, दूर क्षितिज पर ढलता सूरज क्या कहता है होले होले, आओ मन की परतें खोलें। जिनका जीवन है पहाड़ सा, पर चेहरों पर मुस्काने हैं, उन मुस्कानों की मिठास को आओ अपने संग संजोले, आओ मन की परतें खोलें। मिट्टी की सौंधी खुशबू में जीवन की हर महक बसी है, मिट्टी की सौंधी खुशबू में जीवन की हर महक बसी है, इस मिट्टी का कतरा कतरा लेकर जीवन में रस खोलें, आओ मन की परतें खोलें। और अंत में, कि रिश्तों की मीठी गर्माहट अरमानों की नाजुक आहट, रिश्तों की मीठी गर्माहट अरमानों की नाजुक आहट, खोल के रख दें दिल की टीसें, मिलकर हंस लें मिलकर रोलें, आओ मन की परतें खोलें। आज हम सुन रहे थे अपने मेहमान निशान जैन जी को, जो एक आईएएस अधिकारी हैं 2015 बैच के, राजस्थान काडर के, और अभिव्यक्ति का ये हमारा दूसरा एपिसोड था, और हमने देखा कि कैसे एक अधिकारी जो है वो एक मल्टीफेसेटेड और टैलेंटेड पर्सन भी हो सकता है, जो एक बहुत ही सहृदय और मार्मिक इंसान भी है, इसीलिए वो शायद कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विस में आता है। निशान जी, आज आपके विचारों को सुन के और आपको जान के, आपकी कविताओं में से आपका झलक देखते हुए, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे श्रोताओं को आज बहुत आनंद आया होगा, वो बहुत मोटिवेटेड फील किए होंगे, और ज़रूर वो आपकी किताबें खरीदेंगे और उनको पढ़ेंगे, और आपसे इंस्पायर्ड होके वो अपने कर्म भूमि में
अपने कर्म को और भी प्रशस्त करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अभिव्यक्ति मुग्धा सिन्हा के साथ. इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राकेश जैन. इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे व्यास इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन जोधपुर.